हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के ऐसे पांच क्वेश्चंस जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस है, वी लुकअप के ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स, पिवट टेबल, चार्ट्स एंड प्रोटेक्ट शीट। हम शीट को पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आइए वन बाय वन हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि वी लुकअप, हाउ टू यूज वी लुकअप फॉर्मूला। और हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास ऑर्डर आईडी है, तो जस्ट मैंने अगर यहाँ पे ऑर्डर आईडी टाइप किया सो दैट उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम बता सकते हैं उनको कि यहाँ पे हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो दैट आइए हम देखेंगे वी लुकअप फॉर्मूला। यहाँ पे वी लुकअप मैंने यहाँ पे टाइप किया, आई एम प्रेसिंग टैब, सो दैट वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पे अपेयर हो गया। लुकअप वैल्यू फर्स्ट हमें देनी है, तो लुकअप वैल्यू एज ए इनपुट हमें देना है। लुकअप वैल्यू हमें ऑर्डर आईडी एज हमारा इनपुट है, उसके बाद हम टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे, आई एम टेकिंग कॉमा, उसके बाद टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप टेबल एरे सिलेक्ट कर रहे होते हो तो हमेशा जो आपका इनपुट है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए, तभी एक्सेल का वी लुकअप फॉर्मूला वर्क करता है। यहाँ पे मैं अभी फंक्शन F4 प्रेस कर रहा हूँ, सो दैट यहाँ पे हमें डॉलर का साइन दिख रहा है। डॉलर का साइन मतलब ये जो टेबल है अभी यहाँ पे फिक्स हो गया, ये अभी अगर हम यहाँ से फॉर्मूला दूसरी जगह यूज करते हैं फिर भी ये टेबल यहाँ से चेंज नहीं होगा। सो अगेन टेकिंग कॉमा, उसके बाद हमें यहाँ पे इनपुट देना है एज अ कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से एज अ आउटपुट हमें चाहिए। सो हमें एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे आउटपुट चाहिए, सो दैट प्रोडक्ट इज द सेकेंड कॉलम। सो दैट यहाँ पे मैं दो लूंगा, टू टाइप करूंगा, इंटर, और यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच ले जाएंगे। तो आइदर हम फॉल्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या यहाँ पे जीरो फॉर द फॉल्स यूज करेंगे एंड आई एम प्रेसिंग इंटर। सो दैट यहाँ पे देखिए 120154 ये जो प्रोडक्ट आईडी है उसके लिए हमें उसका प्रोडक्ट नेम मिल गया एज अ पपया। सिमिलरली अगर हमें यूनिट प्राइस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे वी लुकअप का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो दैट यहाँ पे अभी एनए आ रहा है, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला एज अ इनपुट में हमने यहाँ पे कौन सा दिया है, H1H6 हमें देना है, राइट। सो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं G6, ये हमारा एज अ इनपुट है। इसको भी हम सिमिलरली F4 दबाएंगे सो दैट ये भी फिक्स हो जाएगा, ये इन फ्यूचर चेंज नहीं होगा जैसे अभी चेंज हुआ था, राइट। हमें यहाँ पे पपैया एज अ इनपुट दिखा रहा था, हमें वो नहीं चाहिए, ऑर्डर आईडी एज अ इनपुट चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड कॉलम एज अ आउटपुट चाहिए हमें, राइट। तो हमारा ये थर्ड जो कॉलम दिख रहा है आपको यूनिट प्राइस एज अ आउटपुट हमें चाहिए, सो दैट हम यहाँ पे तीन टाइप करेंगे एंड जीरो फॉर द एग्जैक्ट मैच, आई एम प्रेसिंग इंटर। सो दैट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उसका प्राइस अभी शो हो रहा है पपैयाज का। पपैयाज का प्राइस यहाँ पे कितना है, 35 रुपीज़ 2 पैसेज, यहाँ पे 2 पैसेज है, पर यहाँ पे हमने डेसिमल सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए आपको ऐसे 35 रुपीज दिखा रहा है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पे डेसिमल में शो करने के लिए व्यू में यहाँ पे हम शो कर सकते हैं डेसिमल प्राइस, तो सभी का प्राइस यहाँ पे 32 रुपीज 2 पैसे यहाँ पे प्राइस हमें दिख रहा है। सिमिलरली उसके बाद हमें सिमिलरली अगर हमें क्वांटिटीज भी अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम वी लुकअप फॉर्मूला में चेंज करेंगे एज अ इनपुट G6 एंड यहाँ पे हमें थर्ड कॉलम एज अ फोर्थ कॉलम सॉरी एज अ आउटपुट है हमारा, सो दैट यहाँ पे हम फोर्थ कॉलम एज अ लेंगे, आई एम प्रेसिंग इंटर। सो दैट अभी देखिए यहाँ पे हमें उसका क्वांटिटी भी मिल रहा है। सिमिलरली अगर हमें दूसरे सभी चीज़ों के लिए ऑर्डर आईडी के हिसाब से अगर हमें उसका प्रोडक्ट नेम वगैरह कैलकुलेट करना है तो हम उसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं, सो दैट उसका प्राइस भी हमें मिल जाएगा, यूनिट प्राइस भी मिल गया एज वेल एज उनकी क्वांटिटी भी हम ले सकते हैं। उसके बाद हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी लुकअप के लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपको वी लुकअप इन डिटेल में सीखना है तो आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक ऐसी एक्सेल शीट है जिसमें आपके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो उसको हम कैसे रिमूव करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे उनको बोल सकते हैं कि एक्सेल में हमारे पास एक रिमूव डुप्लीकेट्स कमांड है, उसका यूज़ करके हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसको कैसे यूज किया जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक शीट है जिसमें हमारे पास 140 ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है एज वेल एज 169 169 एंड 169, ये तीन रिकॉर्ड भी ऐसे हैं जो डुप्लीकेट है। अगर हमें उनको रिमूव करना है तो फर्स्ट तो हम उनको सिलेक्ट करेंगे
उसके बाद डेटा में आएंगे हम। डेटा में हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स एक ऑप्शन है, जस्ट हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो दैट यहाँ पे हमें वो पूछेगा कि माई डेटा हैज़ हेडर। अगर यहाँ तो देखिए हमारे पास हेडर नहीं है, इसलिए वो 140 एज ए हेडर कंसिडर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लिक है। अगर आपके पास हेडर है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास हेडर नहीं है तो आप जस्ट उसको अनचेक कर दीजिए। सो दैट फर्स्ट कॉलम से ही इसने कंसिडर किया एंड जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। यहाँ पे कॉलम नेम यहाँ पे दिख रहा है, शो हो रहा है एज अ बी कॉलम। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सो दैट यहाँ पे देखिए 4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। सो दैट यहाँ पे 140 और 169 की जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव हो गई। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट, सो हम उनको आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं कि डेटा में हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स एक कमांड है, उसका हम यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन प्योर टेबल। मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि प्योर टेबल यूज़ करना एक बहुत ही क्रिटिकल टास्क है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। प्योर टेबल से हमारा डेटा हम सिंप्लीफाइड वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एज वेल एज डिस्प्ले कर सकते हैं। जस्ट हमें उसका यूज़ प्रॉपर तरीके से करना कैसे है और उसके रूल्स क्या है वो पता होने चाहिए। सिमिलरली मैंने प्योर टेबल्स पे भी एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपको चाहिए तो आप डिटेल में प्योर टेबल को भी सीख सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे प्योर टेबल यूज़ करना है, लेट्स से हमें स्टेट वाइज उसका यूनिट्स कितने सेल हुए, टोटल यूनिट भी कितने सेल्स हुए एज वेल एज उसका सेल प्राइस क्या है कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्योर टेबल यूज़ करेंगे। सो दैट हम यहाँ पे फर्स्ट तो प्योर टेबल यूज़ करने के लिए फर्स्ट तो डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, हमारा टेबल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास प्योर टेबल एक ऑप्शन है, जस्ट हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे सो हमें एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें वो हमें पूछेगा कि आपका टेबल, वो जो डांसिंग लाइन अभी यहाँ पे दिख रही है ये हमारा टेबल है, टेबल लाइन उसका नेम है। उसके बाद वो हमें पूछेगा कि हमें प्योर टेबल कहाँ पे डिस्प्ले करना है, वेदर इट इज़ ऑन द न्यू शीट और एग्जिस्टिंग शीट। तो फिलहाल तो हम एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर ही क्लिक करेंगे। आपको अगर नए शीट में प्योर टेबल चाहिए तो आप नई शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। एग्जिस्टिंग सीट के ऊपर अगर हमने क्लिक किया सो दैट हमें उसकी लोकेशन देनी है, कहाँ से हमें प्योर टेबल स्टार्ट करना है। सो दैट मैंने एक शीट सिलेक्ट की, आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सो दैट जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स क्लिक किया सो दैट यहाँ पे देखिए हमें प्योर टेबल का चार्ट मिल गए। राइट साइड में हमें यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है। ये फील्ड जो है ये हमारे हेडर्स है और यहाँ पे नीचे हमें हर एक के नीचे यहाँ पे ड्रैग फील्ड्स मिल रही है जिसमें हम यहाँ पे डेटा ड्रैग करेंगे सो दैट यहाँ पे प्योर टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। अभी हमें कैलकुलेट करना है कि स्टेट वाइज हमारा टोटल यूनिट्स कितने सेल हुए, सो दैट हम यहाँ से स्टेट्स को हम रोज में लेंगे। सो दैट यहाँ पे रोज में आ गए हमारे स्टेट्स, कॉलम में यहाँ पे हमें सभी स्टेट्स दिख रही है। और यहाँ पे हम रोज में हम लेंगे यहाँ पे वैल्यूज में कि हमारा टोटल यूनिट्स कितने सेल हुए। सो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमें डेटा मिल गया है कि गोवा में टोटल 159 यूनिट सेल हुए, टोटल ये जो है 159 यूनिट सेल हुए। सिमिलरली गुजरात में हमारे 218 यूनिट सेल हुए, सिमिलरली फॉर द अदर स्टेट्स आल्सो। अगर सिमिलरली हमें यहाँ पे सेल्स कैलकुलेट करना है तो हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव फील्ड के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया वो रिमूव हो गया और यहाँ पे हम सेल्स का कॉलम वैल्यूज में ले लेंगे। सो दैट यहाँ से हम सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेट वाइज कितना कितना सेल हुआ है। अगर हमें देखना है कि ये जो डेटा हमें मिला है ये कैसे मिला है, सो जस्ट हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे सो दैट एक नई शीट ओपन हो जाएगी जिसमें हमारे पास गुजरात का जो डेटा है, सेल्स का डेटा है, हमने कैसे कैलकुलेट किया वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे प्योर टेबल के बाद नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखेंगे कि चार्ट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपको चार्ट्स कैसे देखने हैं, आपको आपके पास एक डेटा है जिसका यूज़ करके आपको चार्ट में ये डेटा आपको डिस्प्ले करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिमिलरली मैंने चार्ट्स पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे चार्ट देखने के लिए एक शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हम फर्स्ट तो चार्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा टेबल सिलेक्ट किया हमने। जस्ट एक शॉर्टकट है एक्सेल में, F11 अगर आप दबाते हैं सो दैट एक नए शीट पे आपको एक चार्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पे। सो दैट यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका के लिए हमारा चार्ट रेडी हो गया यहाँ पे, जिसमें जो हमारा इनपुट से सेल्स हमें यहाँ पे दिख रहा है चार्ट्स में। चार्ट्स में देखिए ये 520 रुपये, 320 रुपये, 415 रुपीस, ये जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली उसके साथ यूनिट्स और सेल दोनों भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
चार्ट के ऊपर। आपको अगर ये चार्ट चाहिए आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि आप यह इसको शिफ्ट करें, यूनिट सेल्स यहाँ पे नीचे आए और ये जो नेम्स हैं स्टेट वाइज नेम है वो यहाँ पे साइड में आनी चाहिए, सो दैट उसके लिए आप जस्ट चार्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने चार्ट के ऊपर क्लिक किया आपको एक ऐसा चार्ट टूल ओपन हो जाएगा। डिज़ाइन में आपके पास स्विच रोल टू द कॉलम है, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे सो दैट आपको चार्ट आपका चेंज हो जाएगा कि महाराष्ट्र में मोबाइल्स कितने सेल हुए, यहाँ से ये शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में मोबाइल महाराष्ट्र में कितने सेल हुए, सिमिलरली फॉर द अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो, महाराष्ट्र के लिए कौन सा सेल हुआ है, गुजरात के लिए कौन से सेल्स हुए, आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको चार्ट का लेआउट भी चेंज करना है तो जस्ट आप उस चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपको चार्ट चाहिए उस हिसाब से। सिमिलरली आपको चार्ट का बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे सॉलिड बैकग्राउंड आपको अगर चाहिए तो वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया बैकग्राउंड उसका चेंज हो रहा है। सिमिलरली आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर आपको अगर चेंज करने हैं, पिक्चर लगाना है बैक साइड में बैकग्राउंड में, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स चार्ट के बारे में। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया है कि आप शीट को प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट आप कैसे कर सकते हो, तो उनको आप बता सकते हो कि तीन तरीके से हम किसी भी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है हम कंप्लीट हमारा जो ये एक्सेल है वर्कबुक को कंप्लीट हम यहाँ से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ये जो अभी करंट शीट हमने ओपन की है इसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि हमने पूरे शीट को हम प्रोटेक्ट किया हमने और जस्ट उस सेल से उस शीट से एक ऐसे दो तीन सेल्स हमें सिर्फ अनप्रोटेक्टेड रखने हैं जहाँ पे हम टाइप कर सकें। तो आइए देखते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हमें पूरा शीट, अगर ये जो हमारा वर्कबुक है कंप्लीट वर्कबुक में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शीट्स है, कंप्लीट वर्कबुक ही हमें अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल्स में आएंगे। यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक का हमें ऑप्शन मिलता है, जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड ये जो ऑप्शन है जस्ट उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने वहाँ पे क्लिक किया हमें वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो चलिए हम पासवर्ड देते हैं 123 एज अ पासवर्ड। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, रिटाइप द पासवर्ड 123, आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, सो दैट अभी ये शीट पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गई। अगर मैं इस शीट को क्लोज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ फर्स्ट हम उसको सेव करेंगे, सेव कर देते हैं चेंजेस। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो मैं यहाँ पे शीट में आ जाऊँगा, हमारे मैंने यहाँ पे 5 एक्सेल ट्रिक्स करके यहाँ पे हमने ये शीट सेव की है, मैं उसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैं उसको ओपन करने के लिए जाऊँगा सो दैट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वो मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे 123 आवर पासवर्ड, आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, सो दैट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमारी शीट ओपन हो गई, सो दैट हमारी शीट यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गई कंप्लीट। शीट बोलने से अच्छा हम उसको बोल सकते हैं कि हमारी कंप्लीट वर्कबुक यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। उसके बाद हम उनको बोल सकते हैं कि हम ये जो करंट शीट है एग्जिस्टिंग शीट जो ओपन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उस शीट को ओपन करेंगे। लेट से हमें चार्ट्स को, ये जो शीट है चार्ट इसको हमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, तो हमने ये शीट ओपन की। हम यहाँ पे रिव्यू में आएंगे, रिव्यू में हमें एक ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट शीट, जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे सो दैट हमें यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, सो दैट हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे 123 एज अ पासवर्ड फॉर दिस शीट और आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, सो रिटाइप द पासवर्ड 123, आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सो अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई भी टाइप करता हूँ सो दैट ये हमें अभी एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि ये शीट हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आपको अगर यहाँ पे टाइप करना है तो फर्स्ट उसको अनप्रोटेक्ट करना होगा, पासवर्ड निकालना होगा। तो अगर हमें पासवर्ड निकालना है उस शीट का सो दैट हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें फाइल्स में यहाँ पे रिव्यू हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट है, जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर से हमें वो पासवर्ड पूछेगा जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ था, सो दैट हमारा पासवर्ड है 123, आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सो दैट अभी देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अभी शीट ये अनप्रोटेक्टेड हो गई, ये तो हो गई दूसरी बात। उसके बाद हम उनको बोल सकते हैं कि अगर हम पूरी शीट हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट की है पासवर्ड से, सिर्फ ऐसे हमें दो सेल्स ऐसे रखने हैं जिसमें हम चेंज कर सके, यहाँ पे हम एडिट कर सके, सो दैट जस्ट आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ वो सेल्स, सो दैट आपको पता चलेगा कि ये दो सेल्स ऐसे हैं जिन्हें हमें अनप्रोटेक्टेड रखना है। तो अनप्रोटेक्टेड रखने के लिए हम फर्स्ट तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, अभी हमारी शीट फर्स्ट तो अनप्रोटेक्टेड है, हमने पासवर्ड लगाया नहीं है, तो फर्स्ट तो हम ये दो सेल सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे होम्स में फॉन्ट में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आपको छोटा दिखेगा यहाँ पे एरो, उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक न्यू पॉपअप हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ में हम प्रोटेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आपको लॉक पे टिक दिखेगा, तो ये चेकबॉक्स अनचेक करना है हमें एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे ये पूरी शीट हमें प्रोटेक्टेड करनी है फिर से, तो आई एम गोइंग टू रिव्यू। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से हम पासवर्ड देंगे उसको, 123 एज अ पासवर्ड देते हैं हम। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, रीटाइप द पासवर्ड 123, सो आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, सो दैट अभी ये शीट प्रोटेक्टेड हो गई। सो ये दो सेल्स छोड़ के हमें जहाँ पे भी हम टाइप करें सो दैट वो हमें एरर दे देगा। देखिए हमें एरर मिल रहा है कि ये शीट ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, रीड ओनली है, यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। पर अगर हम ये जो हमने दो सेल्स अनप्रोटेक्टेड रखे हैं यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं सो दैट यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए टाइप हो रहा है, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पर अदर शीट में हम नहीं टाइप कर सकते, दूसरे किसी भी जगह हम नहीं टाइप कर सकते। सो फ्रेंड्स ये थे एक्सेल के ऐसे 5 क्वेश्चन जो हमें मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एज वेल एज प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।